मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजाति गौरव दिवस सप्ताह के समापन समारोह में शिरकत करने मंडला पहुंचे हैं। राजधानी से रवाना होने के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि आज जनजातीय गौरव दिवस का समापन कार्यक्रम है। सीएम ने कहा कि गोंडवाना तो 52 गढ़ों का राज्य था, जिसका एक गौरवशाली वैभवशाली इतिहास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकलीफ की बात यह है कि पुरानी सरकारों और अंग्रेजों ने गोंडवाना के इतिहास को सही ढंग से सामने नहीं आने दिया। जनजाति गौरव दिवस का आज समापन का कार्यक्रम है और हमारे जनजाति भाई और बहन न केवल संस्कृति जीवन मूल और परंपराएं आगे बढ़े, बल्कि गोंडवाना तो 52 गढ़ों का राज्य था, जिसका एक गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है। तकलीफ की बात यह है कि पुरानी सरकारों ने और अंग्रेजों ने गोंडवाना के इतिहास को ही सही ढंग से सामने नहीं आने दिया, जैसे यहां रानी कमलापति को भुलाई दिया गया था, वैसे ही राजा संग्राम शाह, दलपत शाह, रानी दुर्गावती, राजा हृदय शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, एक गौरवशाली परंपरा रही है। हम उस परंपरा को प्रणाम करने जा रहे हैं और उसके साथ जो हमारे जनजाति भाई और बहन है, न केवल गोंडवाना का जो गौरवशाली इतिहास है उसको पुनर्स्थापित करेंगे, बल्कि उनकी परंपरा जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे और उनके हर तरह से सशक्तिकरण के लिए आर्थिक शैक्षणिक विकास की दृष्टि से सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। हमने आज सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार सौंपने जा रहे हैं हमारे आदिवासी जनजाति भाई और बहनों को। ये जमीन, ये जंगल, ये जल, उस पर जो उनका हक है वो हक उनको दिया जा रहा है। पैसा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। राशन आपके गांव में योजना के लिए कुछ गाड़ियां और निकलेगी, लगातार चरणबद्ध रूप से हम चला रहे हैं। उनका सशक्तिकरण करके उनका जो योगदान है मध्य प्रदेश के विकास में, आजादी की लड़ाई में, सुशासन देने में, उसको प्रणाम करने में मंडला जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।